झारखंड में टीकाकरण महाअभियान बहुत सुस्त है। अब तक सिर्फ 42% आबादी को ही दोनों डोज मिल पाई है। 74% लोगों को टीके का पहला डोज लगा है। चतरा और गढ़वा में 34% लोगों को सेकेंड डोज मिला है। पूर्वी सिंहभूम में 59% लोगों को सेकेंड डोज लगा। टीकाकरण महाअभियान में झारखंड बहुत सुस्त है। ये आंकड़े बताते हैं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, जो टीकाकरण अभियान चलाया गया, उसमें सूबा कितना सुस्त है। आप देखिए कि झारखंड किस तरह से इस टीकाकरण महाअभियान में सुस्त नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, बहुत जोर शोर से ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया था, बहुत सारे तामझाम के साथ कि बहुत जल्दी लक्ष्य पूरा कर लेना, और ये लक्ष्य प्राप्ति का जो महीना था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अक्टूबर तक ही ये लक्ष्य प्राप्ति रखा गया था कि अक्टूबर अंत तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन अब दिसंबर खत्म होने को है और अब जब ओमिक्रॉन की आहट सुनाई दे रही है, रोजाना आंकड़े बढ़ रहे हैं, खासकर राजधानी में देखिए कल भी 12 नए आंकड़े सामने आए हैं, ऐसे में ये जो टीकाकरण के आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। देखिए, पूरे राज्य में आंकड़े जो देखेंगे तो लगभग 1,01,00,000 से अधिक लोगों ने पहली डोज ली है। तो ये एक चिंता की बात ये है कि डबल डोज लेने वालों का जो प्रतिशत है वो काफी कम है आरती, और यही एक मतलब हमें लगता है आने वाले समय में एक परेशानी का सबब हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये लगातार प्रयास हो रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लें, और यही वजह है कि रांची शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र में 19 सेंटर बनाए गए हैं जहां आपको कोविशील्ड को वैक्सीन पहली डोज दूसरी डोज तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन लोगों में अभी भी जो है हिचक है और कहीं ना कहीं लोग डरते हैं, तो ये डरना लोगों को छोड़ना होगा। हम इस वक्त सदर हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर में हैं। यहाँ की क्या तस्वीर है देखिए, लेने वालों की सुबह का वक्त है, लोग धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं वैक्सीन लेंगे। और यहाँ से भी हम सिस्टर लोगों से बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन में यहाँ प्रतिदिन कितने लोग लेते हैं। सिस्टर ये बताइए कि यहाँ हर दिन कितने लोग वैक्सीन लेते हैं। मेरे यहाँ हर दिन 250 से मैंने ज्यादा जहाँ होता है, लेकिन कम नहीं होता है। कोविशील्ड का 250 और कोवैक्सीन का 100 आदमी प्रत्येक दिन यार पड़ता है। इसमें पहली डोज वाले आते हैं या दूसरी डोज? पहली डोज वाले भी आते हैं, दूसरी डोज दोनों आते हैं। दोनों संख्या धीरे धीरे मतलब बढ़ना चाहिए। हाँ, संख्या तो बढ़ना चाहिए। कहा है कि जो इंजेक्शन देने के जो नया बीमारी को लोग सुन रहे हैं, और जो पेपर में आ रहा है कि जो वैक्सीन ले चुके हैं वो सुरक्षित और स्वस्थ हैं, तो लोगों में जानकारी हुई है और इसे लोग में जागरूकता भी हो गया है, तो लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं। तो देखिए आरती, रांची का जो सदर हॉस्पिटल है यहाँ प्रत्येक दिन 250 लोग लेते हैं, और कोई भी जब चार बजे के पहले तक आएगा तो वैक्सीन यहाँ बहुत आसानी से मिलता है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए 42% लोगों ने, जो झारखंड के लोग हैं, वो सेकेंड डोज उन लोगों ने अभी तक लिया। तो हमें लगता है कि लोगों को और घरों से निकलना होगा, अभी फेस्टिवल का समय है और भीड़ भाड़ भी होगी, तो ऐसे में आप डबल डोज लेंगे। देखिए आजकल हर जगह डबल डोज लेने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। आप हवाई मार्ग से यात्रा करें, ट्रेन से करें, या किसी मॉल में जाएंगे तो वहां पर भी इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें लगता है कि सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, 15 दिसंबर से ही महाअभियान की शुरुआत हुई है, और रांची में देखते हैं 46% लोगों ने डबल डोज लिया है, लेकिन अभी और लोगों को लेना है। लेकिन पूरे झारखंड की, जो रांची की नहीं है ना बात, सिर्फ राजधानी की नहीं है बात, पूरे सूबे की है, और जो पूरे राज्य का जो आंकड़ा है वो हैरत में डाल रहा है। ओमिक्रॉन के आंकड़े देश भर में बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ इतने सारे केसेस अभी नए कोरोना के सामने आए हैं, लेकिन अब तक जीनोम सिक्वेंसिंग के रिपोर्ट्स नहीं आ पाए हैं हमारे पास, तो हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये कौन सा वेरियंट है। इस बीच इस तरह से टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ना थोड़ी चिंता बढ़ा रहा है।
देखिए पूरे झारखंड की जो आबादी है 2,41,00,000 है, मतलब इन लोगों को डबल डोज लेना है, मतलब ये अडल्ट है, इन्हें वैक्सीन की जरूरत है। लेकिन आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े कहीं ना कहीं हमें परेशान करते हैं। तो लोगों को घरों से निकलना होगा, क्योंकि देखिए वैक्सीन टीकाकरण अभियान में कहीं से कोई कमी नहीं है। आप यदि फोन करेंगे तो वैन आपके मोहल्ले में आता है, और रांची के हर लोकेशन में सेंटर बनाए गए हैं। तो आखिर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लोग घरों से निकलेंगे, आधार कार्ड लेकर के आएंगे तो वैक्सीन आपको शायद मिलेगा। तो हमें लगता है कि सरकार को थोड़ी कड़ाई करने की जरूरत होगी, ताकि लोग अपने अपने घरों से निकले। लेकिन देखिए धीरे धीरे लोग अब जब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है, तो अब पहले की तुलना में लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। लेकिन लोगों को और ज्यादा संख्या में बाहर आना होगा, ताकि एक जो सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच लोग धारण कर सके। आप भी वैक्सीन लेने? नहीं, मेरा हो चुका सेकेंड डोज कंप्लीट, उनके साथ आए। बिल्कुल अंजनी, देखिए ये जो टीकाकरण सेंटर पर ये जो दिख रही है तस्वीर, अब यही तस्वीर अगर दिखती रहे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी के साथ साथ टीकाकरण भी बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए टीकाकरण अभियान झारखंड में सुस्त पड़ा है, और इसकी रफ्तार बढ़ानी होगी अगर हमें ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटना है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 11 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।